हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स का नया एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसका एम है आपका टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस यूजिंग सोनोमीटर एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये आपके एक्सपेरिमेंट का एम होगा और इसमें हम एपरेटस यूज करेंगे सोनोमीटर विद सॉफ्ट आयरन वायर, इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, हैंगर, ठीक है, विद वेट्स, क्लैंप स्टैंड, मीटर स्केल, स्क्रू गेज, सेंसिटिव बैलेंस, कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, अब देखो ये आपके एपरेटस है, ये आपका सेटअप है सोनोमीटर का, ये आपके स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, ये सॉफ्ट आयरन वायर देखो इस तरीके से इसमें लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका सॉफ्ट आयरन वायर है। ये हैंगर देखो, इसमें ये हैंगर है जहाँ पे आपको वेट हैंग करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्रू गेज जो चाहिए वो चाहिए इस वायर का आपको डायमीटर निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन हम इसको आपको ऑलरेडी गिवन देंगे। ठीक है, अब देखो करना क्या है आपको, ये आपका सेटअप है सोनोमीटर का, इसको मैं सिंपल देखो ऑन करूँगा। और सबसे पहली बात देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है आपकी, उसको आपको एक लिमिटेड वोल्टेज की सप्लाई प्रोवाइड करानी है। ठीक है, देखो जैसे इसमें अलग अलग वोल्टेज का, ये जो हमारा बैटरी एलिमिनेटर डीसी सप्लाई है, एसी टू डीसी कन्वर्टर है, ये आपका अलग अलग वोल्ट्स आपको सप्लाई देता है। ठीक है, जैसे 2 वोल्ट्स, 4, 6, 8 और आगे भी हैं, तो आपको इसको मिनिमम 4 और 6 के अराउंड रखना है बस। ठीक है, ज़्यादा इसको सप्लाई नहीं देनी है, अदरवाइज आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो हीट होके फूक जाएगा। ठीक है, जल जाएगा। आपको क्या करना है, इसको ज़्यादा वोल्टेज की सप्लाई नहीं प्रोवाइड करनी है, 4 और 6 मैक्सिमम वोल्टेज आपको सप्लाई करने है इलेक्ट्रोमैग्नेट को। ठीक है, अब उसके बाद देखो आपको क्या करना है, ये आपके दो वायर जो इसके साथ दिए गए हैं, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो वायर से आपको डिस्टेंस रखनी है वो 2-3 mm के आसपास रखनी है। ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखनी है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट से वायर या तो चिपक जाएगा फिर, है ना, और बहुत ज़्यादा दूरी पर होगा तो वाइब्रेट सही से नहीं होंगे। तो आपको एक जो लेंथ रखनी है उसकी, बीच की गैप जो रखना है वो बहुत स्मॉल रखना है ना, उसके हिसाब से करना है। उसके बाद देखो क्या होगा, अब मेरे को क्या करना है, इस हैंगर जो मेरे पास जो वेट है, देखो सबसे पहले वेट देखो आप, ये जो वेट है, एक वेट का जो वेट है आपका वो है 500 ग्राम्स। ठीक है, इसका भी वेट 500 ग्राम्स, और जो हैंगर है वो हैंगर भी आपका, जो इसका अपना वेट है हैंगर का, वो भी आपका 500 ग्राम्स है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस हैंगर पे एटलीस्ट 2000 ग्राम्स मतलब 2 किलो के आसपास आप वजन इस पे हैंग करोगे। ठीक है, जैसे मैंने 3 वेट प्लस 1 हैंगर इससे वेट हैंग कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल जो वेट है आपका 2000 ग्राम हो गया है। ठीक है, उसके बाद अब इस वायर में टेंशन आ गया है, अब आपको क्या करना है, मैं इसको जैसे ऑन करूँगा और ये जो बैच है आपके, इस बैच को कम्प्लीटली पहले आप क्लोज रखोगे। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल क्लोज रखोगे, उसके बाद इसको धीरे धीरे आउटवर्ड पोजीशन पे लेके जाओगे, मतलब एक दूसरे से दूर लेके जाओगे, जैसे मैं लेके जा रहा हूँ देखो। और जहाँ पे आपको लगता है कि इस वायर में सबसे मैक्सिमम वाइब्रेट हो रही है, उस पोजिशन पर आपको एक होल्ड करना है। ठीक है, जैसे मैं देखो बढ़ा रहा हूँ इसकी स्पीड को, इसके गैप को देखो, अभी वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पे इसके मैक्सिमम वाइब्रेट होंगे उस पोजीशन पे रोकना है दोनों बैच, और इन दोनों बैच की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। ठीक है, इन दोनों बैच की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है जब आप आउटवर्ड पोजीशन पे थे। ठीक है, एक डिस्टेंस आ गई, अब इसी वेट पर आपको वेट चेंज नहीं करना है, इसी वेट पर अभी तक तो हम क्लोज करके आउटवर्ड पोजीशन पे चल रहे थे, अब आप क्या करोगे, पहले से बिल्कुल वाइड रख लोगे। देखो दोनों जो बैज हैं आपके वो मैंने बिल्कुल वाइडली रख लिए हैं, उसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों को क्लोज करोगे, क्लोज करते जाओगे। ठीक है, और फिर से सेम जहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेट होंगे वहाँ पे आप इसकी दोबारा जो डिस्टेंस होगी बीच की बैजेस की वो मेजर करोगे। देखो मैं जैसे अब क्लोज लेके आ रहा हूँ, देखो दोनों को क्लोज लेके आ रहा हूँ, फिर से कर रहा है वाइब्रेट, फिर से हो रहा है इसमें। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेट हो, मैक्सिमम वाइब्रेट हो रही है जैसे यहाँ पे, तो मैक्सिमम वाइब्रेट पर फिर से क्या करना है, दोनों बैजेस के बीच की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। ठीक है, अब आपके पास दो डिस्टेंस होगी सेम वेट पे, दो आपके पास दो डिस्टेंस होगी, एक इनवर्ड केस में, एक आउटवर्ड केस में।
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वेट आपको इंक्रीज करते जाना है। जैसे अभी मैंने 2000 से स्टार्टिंग की है, आप एक वेट और हैंग कर दोगे, ये हो जाएगा आपके पास 2500 वेट्स। उसके बाद एक और वेट कर दोगे, फिर एक और, मतलब आपको 3 or 4 रीडिंग्स लेनी है। अब देखो हम कैलकुलेशन के पार्ट में आते हैं, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन पार्ट में आपको सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा यूज है वो देखना है। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है आपको F=1/4L रूट में mg/m। एक कैपिटल एम है और नीचे स्मॉल एम है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कौन सा क्या है, कौन सी क्या वैल्यू आपको रखनी है, ठीक है। देखो ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। ऑब्जर्वेशन टेबल में लेंथ ऑफ द वायर जो आपने सॉफ्ट आयरन वायर इसमें यूज किए उसकी टोटल लेंथ कितनी है, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन होगी हमारे पास जो है 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ द वायर, इस वायर का आपके पास टोटल जो वेट है वो लिखना है यहाँ पे। जैसे टोटल जो वायर है उसका मतलब कंप्लीट वेट है वो है 9.12 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपको मास पर यूनिट लेंथ निकालना है। यहाँ से मास पर यूनिट लेंथ होगा आपका 0.06 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें ग्रेविटी जी की वैल्यू दे रखी है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप अकॉर्डिंगली जो भी यूनिट यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू यूज करनी है इसकी। उसके अब ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। ऑब्जर्वेशन टेबल में देखो फर्स्ट कॉलम आपका है लोड वेट, आपने कितना वेट टोटल हैंग किया है विद हैंगर वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर है वेज मूविंग आउटवर्ड, आउटवर्ड वेज आपने मूव किया था तब उसके बीच का गैप कितना था, और इधर है जब आपने वेजेज मूविंग इनवर्ड, जब आपने इनवर्ड पोजीशन पे मूव किया था वेजेज को उसकी डिस्टेंस क्या थी। दोनों की डिस्टेंस आप अलग अलग लिखोगे और इन दोनों डिस्टेंसेस का मीन ले लोगे, ठीक है। और आपको जितने डिस्टेंस आपने जितने वेट हैंग किए हैं अलग अलग रीडिंग्स आप उसकी लोगे यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग मीन्स आएगा फिर सबका। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, जो अभी मैंने दिखाया था F=1/4L रूट में mg/m, ठीक है। अब देखो इसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो अलग अलग वेट पे कंप्लीट फ्रीक्वेंसी निकल आएगी आपकी, तो लास्ट में आपको मीन लेना होगा। अभी मैं बताऊंगा देखो कैलकुलेशन पार्ट। अब देखो कैलकुलेशन पार्ट में आपकी फ्रीक्वेंसी =1/4L रूट M g m, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। इसमें ये जो L है ये तो डिस्टेंस है आपकी, जो आपने दोनों वेजेस के डिस्टेंस का मीन लिया है, मतलब एक आउटवर्ड पोजीशन एक इनवर्ड पोजीशन, इन दोनों का जो मीन है वो आपकी L की पोजीशन है जो कि आपने मेजर की है अपने पास से, ठीक है। उसके बाद ये जो वैल्यूज हैं ये सारी गिवन है। जैसे कैपिटल M है आपका जो वेट आपने हैंग किया है, ठीक है, जो वेट आपने हैंग किया है वो वाला वेट। उसके बाद G आपकी ग्रेविटी है जो कि दी हुई है, ठीक है। यूनिट आप अकॉर्डिंगली लगाओगे जिस यूनिट में आप सारी वैल्यूज रख रहे हो। M है आपका स्मॉल वाला M, वो है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। तो उसका जो है वो भी यूनिट दी गई है किस यूनिट में आप अप्लाई कर रहे हो उसे, जैसे ग्राम पर सेंटीमीटर में है 0.06 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपकी मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल M जो होगी वो ये होगी, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, स्मॉल M की वैल्यू। और ग्रेविटी इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे आप, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और वेट हैंग ग्राम्स में करोगे तो सबसे फर्स्ट यूनिट सपोज आपने मैंने 2000 पे बताया 2000 ग्राम यहाँ से, और यदि आप यूनिट चेंज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग लगाओगे। उसके बाद देखो ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 50 हर्ट्ज, ठीक है। आपको इसके साथ कंपैरिजन करना है उसका जो आपने थियोरेटिकल वैल्यू निकाली है और उसका परसेंटेज ऑफ एरर कैलकुलेट कर लोगे आप, तो आपका कितना परसेंटेज ऑफ एरर है वो यहाँ पे लिखोगे। ये आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ सोनोमीटर का।